नमस्कार, स्वागत है सभी का इंडिया फर्स्ट न्यूज के खास प्रोग्राम पर्सनालिटी फर्स्ट में। इस प्रोग्राम में आप बहुत ही खास शख्सियतों से हम आपको रूबरू कराते हैं और आज बेहद ही खास शख्सियत के साथ एक बार फिर हम आप सभी के सामने हाजिर हो चुके हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल जी। कमलेश्वर जी, आपका इंडिया फर्स्ट स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कमलेश्वर जी से चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कमलेश्वर पटेल कांग्रेस पार्टी के बहुत ही जिम्मेदार कार्यकर्ता के तौर पर भी पहचान रखते हैं। बहुत ही छोटे स्तर से उन्होंने अपने शुरुआत की और यहां तक आज वो एक मंत्री पद पर पहुंचे हैं। उनके पिताजी स्वर्गीय इंद्रजीत पटेल का नाम आप सभी जानते हैं और उनकी विरासत को लगातार वो आगे लेकर चल रहे हैं और ना केवल विंध्य प्रदेश में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में अब वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्हें जब बड़ी जिम्मेदारी उनकी पार्टी ने सौंपी, चाहे छत्तीसगढ़ में उनके संगठन की जिम्मेदारी सौंपी, तो उन्होंने उस वक्त छत्तीसगढ़ में प्रचार प्रसार किया जिस वक्त लोग टिकटों के लिए जुगाड़ करते थे। और शायद यही वजह है कि कमलनाथ जी के एकदम बेहद करीबी के तौर पर वो उभर कर सामने आए हैं और उन्हें एक बेहद ही बड़ा विभाग पंचायत और ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। सबसे पहले कमलेश्वर जी आपसे जानना चाहेंगे, जब ये विभाग आपको सौंपा गया उस समय आपके अंदर क्या फीलिंग्स थी, क्योंकि अब एक समय हो गया है, कितनी पकड़ आप इस विभाग में बना चुके हैं, क्योंकि मुझे कोई दो राय नहीं बोलते हुए क्योंकि हम इस विभाग को अब तक शौचालय घोटाला विभाग के नाम से जानते रहे हैं। देखिए, विभाग बहुत महत्वपूर्ण है और पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश की 72% आबादी आती है और हम समझते हैं कि 72% जो हमारी आबादी है उसके देखरेख करना, उसके लिए सुनियोजित प्लान करना और किस तरह से हम अपने ग्राम पंचायतों का डेवलपमेंट्स करें, किस तरह से छोटी छोटी जो हमारी योजनाएं हैं उसको हम किस तरह से क्रियान्वित करें, हितग्राही मूल योजनाएं जो है उनका किस तरह से हम हर वर्ग के लोग जो पात्र लोग हैं उनको लाभ पहुंचाएं, हम समझते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी और प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं ने जो हमारे ऊपर ये विश्वास जताया है, हम समझते हैं कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनके लिए हम उनके प्रति हम आभार भी प्रकट करते हैं। और सच बात तो ये है कि हमारा पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश से हम जुड़े रहे शुरू से, हम पढ़ाई लिखाई से लेके और हर दृष्टिकोण से कभी भी हमने गाँव को छोड़ा नहीं। तो हम समझते हैं कि जो गाँव की बुनियादी समस्याएँ हैं और किस तरह से ग्राम पंचायतों में लोग क्या क्या सामना करते हैं, किस तरह की डेवलपमेंट्स होना चाहिए, किस तरह की परिस्थितियां हैं, किस तरह का अलग अलग एरिया में भौगोलिक स्थिति है, उन सारी बातों को हम बहुत अच्छी तरीके से हम कह सकते हैं कि जानकारी होने की वजह से मुझे कोई ऐसा विभाग मिलने के बाद कोई इस तरह से नहीं लगा कि मुझे कुछ नया समझने की आवश्यकता है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे विभाग में भी जो अधिकारी कर्मचारी भी कार्यरत हैं सब बहुत अच्छे हैं और सारे लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और थोड़ी बहुत जो कमियां हैं वो आपस में हम ठीक कर लेते हैं और ये अधिकार हम समझते हैं कि मंत्री के रूप में हमको मिला है ठीक करने का, तो ये समय समय पे ठीक भी कर लेते हैं। तो किसी भी प्रकार की विभाग के अंतर्गत ऐसी कोई चुनौती अधिकारी कर्मचारियों को लेके या विभाग को समझने को लेके हम समझते नहीं रही है, पर ये बात भी सच है कि चुनौतियाँ भी हमारे सामने बहुत सारी हैं, बहुत सारी परेशानियाँ भी हमारे सामने हैं, उसको हम किस तरह से सुनियोजित तरीके से प्लानिंग करके और स्टेप बाय स्टेप समयानुसार, क्योंकि आज हाईटेक जमाना है, आजकल हमको पंचायतों को हाईटेक भी करना है, हमें सुविधाएं भी निचली इकाई तक पहुँचाना है, इन सारी बातों को ध्यान में रख के काम करने की आवश्यकता है और हम समझते हैं आने वाले समय में, अभी क्योंकि बहुत कम समय काम करने के लिए मिला है, 3 महीने चुनाव में निकल गए, तो जो हमारे सामने परिस्थितियां रही हैं और जिस तरह का पूर्ववर्ती सरकार ने 15 सालों में प्रोविजन तो बहुत सारे थे पर उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी हुआ है, जिस तरह आपने शौचालय घोटाले का जिक्र किया जी। सच बात है कि शौचालय होना चाहिए पर इतनी जल्दबाजी में भी कोई चीज नहीं बनाने चाहिए कि जिसका दुरुपयोग हो, जिसका शासकीय धन का अपव्यय हो, और इसका जरूर कहीं ना कहीं रणनीति बनाते समय जो चाहे वो केंद्र सरकार के अधिकारी कर्मचारी रहे हों या प्रदेश स्तर में, इसमें कहीं ना कहीं कमी रही है और जिसकी वजह से हम ODF तो गांवों को घोषित कर दिए पर सच्चाई ये है कि अभी भी 50% ही शौचालय चालू हैं, बाकी जो शौचालय है या तो
लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं या घटिया स्तर के बने हुए हैं, तो ये विसंगतियां तो हैं, पर हम समझते हैं जो कमियां हैं उसको हम मिलकर ठीक करेंगे। एक एक बात जो है लगातार इसी से जुड़ी हुई चुनाव प्रचार के दौरान भी देखी गई कि साहब कांग्रेस ने कहा कि आपने शौचालय तो बना दिए लेकिन पानी उपलब्ध नहीं कराया, उसका उपयोग किस तरह से हो रहा है ये तो देखिए, आपने कहीं ना कहीं सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरे में लिया। अब उन शौचालय का होगा क्या, क्या उनको पानी वहां पर मुहैया कराया जाएगा, सप्लाई की जाएगी, या आप इस बड़े भ्रष्टाचार की जांच करेंगे, या किस तरह से इसको कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि रेगुलराइज किया जाएगा? देखिए, हम समझते हैं कि जहां भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच की भी आवश्यकता है और जो विसंगतियां हैं उसको दूर करने की भी आवश्यकता है, और उसके लिए हम सतत प्रयास कर रहे हैं। हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी कार्य योजना बना रहे हैं, और हम समझते हैं कि जल के लेके जिस तरह से पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में भी आपाधापी मची हुई है, जिस तरह की आगे चुनौती है उसको लेके भी हमारी सरकार ने, सरकार बनते ही हमारे विभाग ने नदी पुनर्जीवन से लेके पुराने जो हमारे तालाब हैं उनका पुनर्जीवन, जल संरक्षण के लिए हम लोग विशेष प्लान तैयार किए हैं, और पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले के जो इस तरह के जल के स्रोत थे जो आज जल भराव नहीं हो रहा है या सूख जाते हैं, वो जो कमियां थी उनको फिर से जल संरक्षण के लिए हम लोग उनको संरक्षित करने के लिए कार्य योजना तैयार किए हैं, और हम समझते हैं कि 4 साल में इसमें काफी अच्छा काम होगा। और जो ये बहुत बड़ा संकट जो है कि हमने शौचालय तो बना दिए पर उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं की, ये कहीं ना कहीं प्लानिंग में कमी थी, और इस तरह की प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। प्लानिंग करते समय जो दिल्ली में बैठ के लोग प्लानिंग करते हैं उनको जरूर नीचे जाके देखना चाहिए कि हमारे जो गरीब है उनको पहली प्राथमिकता क्या है, पहले हम किस तरह से शुरुआत करें, उनको किस तरह की बुनियादी सुविधाएं हम दें। ये बात सच है कि शौचालय होना चाहिए, बहन बेटियों की भी इज्जत सुरक्षित रहनी चाहिए, पर इस तरह की भी प्लानिंग नहीं होनी चाहिए कि एक महीने के अंदर हमको ये करके देना है। हाँ, अभियान चलाना चाहिए पर चरणबद्ध तरीके से चलाना चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि नहीं इतने दिन में करना ही करना है। उदाहरण के लिए एक समय जो है हाथ धोने के लिए प्लेटफॉर्म स्वच्छता अभियान के तहत हर स्कूल में बनवाया था, आज वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं, वो प्लेटफॉर्म आज दोबारा फिर हाथ धुलाई हुई नहीं। एक दिन हम साल में योगा कराते हैं और फिर चटाई खरीद लेते हैं, फिर बाकी बाद में क्या होता है। तो ये सारे काम हम समझते हैं कि दिखावे के नहीं होना चाहिए, बल्कि जिस तरह पहले स्कूलों में भी एक क्लास होता था वीक में कि हम बच्चों को वीक में एक बार उनको व्यायाम और बाकी जो नैतिक शिक्षा है इससे जोड़ते थे, साफ सफाई से लेके बागवानी से लेके व्यायाम से लेके आपका स्काउट गाइड है या एनसीसी है, इन सब चीज़ों में जो पार्टिसिपेशन होता था उससे जो एक भावना जागृत होती थी उसका कहीं ना कहीं अभाव हुआ है। तो हम समझते हैं कि इन सारी बातों को ध्यान में रख के काम करने की आवश्यकता है, और हमारी सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके विशेष योजना बना रही है, और जिस तरह से पिछले 15 वर्षों में शिक्षा और स्वास्थ्य का जो हमारा स्तर है वो नीचे से तीसरे पायदान में चला गया, कितने चिंता की बात है। अभी हम किसी चैनल में पूर्व मुख्यमंत्री जी का वर्जन सुन रहे थे, शिवराज सिंह चौहान जी का, बोल रहे थे गरीबों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अरे आपने 15 साल में क्या गरीबों के लिए ऐसा प्रावधान किया कि गरीबी रेखा के नीचे लोगों का कम होने की बजाय और बढ़ गए, तो ये चिंता का विषय है। सच बात तो ये है कि 1,78,000 करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर, मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर पिछली सरकार छोड़ के गई है, और हम ये कह सकते हैं कि 1,78,000 करोड़ के कर्जे में बड़ी योजनाबद्ध तरीके से प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही सुनियोजित हम समझते हैं एक प्लान था, और इससे कहीं न कहीं आप देखिए किसानों के ऊपर ये कमेंट्स करते हैं कि हमारी सरकार अगर वचन पत्र में था किसानों का कर्जा माफ करेंगे, तो सरकार बनते ही सबसे पहले प्रावधान किया हमारी सरकार ने, और किसानों का कर्जा माफ किया और बचे हुए किसानों के लिए भी प्रावधान किया है, वचनबद्ध है हमारे मुख्यमंत्री जी, वचनबद्ध है हमारी सरकार, पार्टी वचनबद्ध है। जो कहा गया था जो तय समय सीमा की गई थी उसमें नहीं किया, और सरकार की नीयत में खोट है, और क्यों नहीं कर रही है सरकार? सरकार की नीयत में खोट तो उनकी थी, उनकी जब सरकार थी 50,000 रुपए घोषणा पत्र में था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 15 साल सरकार चलाई
और 2 रुपए किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, बल्कि बिजली के बिल में कुड़कियां की, जेल में भी डाला, और यहां तक कि आपका मंदसौर जैसे गोलीकांड भी कराया, 7-7 किसान मारे गए। तो भारतीय जनता पार्टी पहले ये क्वेश्चन लगाने से पहले खुद सोचे, हमारी सरकार तो बिजली का बिल भी हाफ किया, आपका किसानों का 10 हॉर्स पावर तक का बिजली का बिल आधा किया, 1 रुपए 1 यूनिट बिजली करने का घरेलू काम किया, 24 घंटे बिजली हम देने का वादा किए और दे रहे हैं। अब ठीक है, इनने 15 सालों में हमारे राजीव गांधी विद्युतीकरण के तहत जो कार्य हुए थे, घटिया काम हुआ, और घटिया काम होने की वजह से मिली भगत करके भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बैठे हुए लोगों ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से विद्युतीकरण का काम जो कराया था, इतना घटिया कराया था कि आज थोड़ी भी अंधड़ आती है, बारिश होती है तो पोल टूट जाता है, तार टूट जाता है और बिजली बाधित हो जाती है, और उसका दोषारोपण हमारी सरकार के ऊपर करते हैं। तो 15 सालों में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया है, बड़ी बड़ी बातें की थी, पर सच बात तो ये है कि इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। पर हमारी सरकार बनते ही 51,000 कन्या विवाह के लिए प्रावधान किया, और पहले जो प्रावधान था उसमें तो हितग्राही को मिलता ही नहीं था, अभी तो सीधे 48,000 रुपए हितग्राही के खाते में जा रहा है, और 3,000 रुपए पूरा उनका जो वस्त्र है वरवधू का, और उसके साथ साथ आयोजन करने में, इन सब चीजों में प्रावधान किया है 3,000 रुपए, और 48,000 रुपए सीधे खाते में जा रहा है। नहीं तो पहले तो नकली चांदी का गहना दे देते थे, जो गिलट निकलता था, किसी काम का नहीं होता था, पैसे समय पे मिलते नहीं थे, लूटपाट मची रहती थी। तो हमारी सरकार आपका जो वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 से बढ़ा के 600 रुपए किया, 160 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं पे बोनस देने का प्रावधान किया, 250 रुपए मक्के पे बोनस देने का प्रावधान किया, 500 रुपए तेंदुपत्ता का लाभांश बढ़ाया। तो इस तरह से बहुत ही कम समय में हम ये कह सकते हैं कि बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, और प्रदेश के किसानों और गरीबों के हित में निर्णय लिया है। और ये हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से पूरे प्रदेश के, चाहे वो नौजवान हो और चाहे हर वर्ग के लोग हो, किसान हो, सबके लिए बहुत ही सामूहिक रूप से छोटे छोटे उद्यमियों के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि हमारे छोटे छोटे उद्यमी अपने कोई भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, उनको भी एक मार्केट अवेलेबल कराने के लिए प्रदेश और देश में और देश के बाहर भी, जिस तरह आज हमारे बजट में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई मिठाई भी बनाता है और अच्छा अगर कारीगर है तो हम उसको पूरे मध्य प्रदेश नहीं बल्कि उसको हम भारत देश में सभी जगह हम उसको प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराएंगे। तो ये हम समझते हैं, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि बहुत महत्वपूर्ण मकाम पे आप इस चर्चा को लेकर आ चुके हैं जो कि ग्रामीण रोजगार से जुड़ा हुआ है। सर, ये बात कहीं कही जाती है कि सब हम ग्रामीणों को रोजगार देंगे, युवाओं को पलायन रोकेंगे, अपने क्षेत्र में ही वो कहीं ना कहीं रोजगार के नए अवसर जो है खड़े कर पाएंगे, बजट का प्रावधान आप कर ही देते हैं, लेकिन जब ग्रास रूट लेवल पर हम जाते हैं, क्रियान्वयन की हम बात करते हैं, वो दिखाई नहीं देता है। आपने विपक्ष में रहकर भी काफ़ी ऐसे मुद्दे उठाए हैं, ऐसा आपकी सरकार में नहीं हो, आप कैसे सुनिश्चित करेंगे? देखिए, सबसे पहला जो प्रावधान किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने, जो 70% प्रदेश के लोगों को ही रोजगार देने का जो प्रावधान किया है, ये हम समझते हैं कि इससे हमारे प्रदेश के नौजवानों का हित होगा। पिछली सरकार ने तो बाहर के लोगों को लाके भर्तियां की हैं, घपले घोटाले किए हैं। हमारी सरकार ने प्रावधान किया है, चाहे पुराने उद्योग जो स्थापित है या वर्तमान में जो उद्योग स्थापित होंगे, स्थानीय लोगों को ही रोजगार 70% मिलेगा, 30% बाहर के लोगों को ही मौका मिलेगा। और इसके अलावा भी जो हमारी नौकरियों में जो भर्तियां होंगी उसके लिए भी हमारी सरकार ने प्रावधान किया, उम्र 40 साल बढ़ा के कर दी। तो हम समझते हैं कि बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है ये अंतर है। एक तरफ वो सरकार थी जो सिर्फ भाषण देते थे, हमारे मुख्यमंत्री जी भाषण कम देते हैं, काम ज्यादा करते हैं, ये अंतर है। ये सारी चीजें धरातल पे उतरेंगी सर, क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि आपाधापी में सरकार है, लंगड़ी लूली सरकार है, कब गिर जाएगी, और इस वजह से सिर्फ घोषणाएं की जा रही हैं, जमीनी स्तर पर ये तमाम घोषणाओं का कोई क्रियान्वयन देखने में नहीं आ रहा है। हमारी सरकार ने कोई भी घोषणा की ही नहीं, हम घोषणा कम कर रहे हैं, हम काम करके दे रहे हैं। हमारे वचन पत्र में जिन बिंदुओं का उल्लेख है हम उस पर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी आज तक एक भी घोषणा नहीं किए हैं, एक भी घोषणा बता दें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, पुराने मुख्यमंत्री मंत्रीगण बता दें, भारतीय जनता पार्टी के नेता बता दें, एक भी घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया है। बल्कि जो हमारे वचन पत्र में है या जो उनको लगता है कि नहीं ये काम होना चाहिए,
वो डिस्कस करके प्लानिंग करके उसको धरातल पर उतारते हैं बजाय घोषणा करने के। पिछली सरकार ने तो हजारों 28,000 घोषणा पुराने मुख्यमंत्री जी की पेंडिंग चल रही है, उसका क्या होगा। इन्होंने तो जैसा हमने पहले कहा बहुत ही सुनियोजित तरीके से प्लान करके प्रदेश को लूटने का काम किया पिछली सरकार ने, अथाह भ्रष्टाचार किया है। आज अगर व्यवस्था ठीक करने के लिए हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी अधिकारी कर्मचारियों को व्यवस्थित कर रहे हैं, उनको ये एहसास करा रहे हैं कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, क्योंकि बिना भय के काम नहीं होता, डर भी जरूरी है। कोई भी अधिकारी कर्मचारी के ऊपर भी अंकुश रहनी चाहिए, सबकी जिम्मेदारी है। अगर नेता मंत्री मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है तो अधिकारियों की भी उतनी जवाबदेही है, और उसके लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी कसावट कर रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी सरकार चला रहे हैं, पिछली सरकार कुछ लोग तथा कथित लोग चलाते थे, यही अंतर है। यहाँ तो वो दिक्कत नहीं है सर, कुछ अधिकारी जो है वो हावी हो चुके हैं, ब्यूरोक्रेसी हावी हो चुके हैं, ऐसी कोई ब्यूरोक्रेसी विभाग में तो नहीं आ रही आपके? कहीं कोई ब्यूरोक्रेसी हावी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली कैबिनेट में ही स्पष्ट निर्देशित किया था, सारे अधिकारी मंत्रीगण भी थे, कि विभाग विभाग के मंत्री के यहाँ से चलेगा, विभाग विभाग से चलेगा, मुख्यमंत्री संचालय से नहीं चलेगा, और वैसा ही काम भी चल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कहीं कोई विसंगति भी नजर आती है तो स्पष्ट निर्देश देते हैं, देते रहते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम सारे मंत्रीगण और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश की जनता के हित में लगातार काम कर रहे हैं, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले 4 वर्षों में जो उम्मीद से प्रदेश की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी को, कांग्रेस सरकार को चुना था, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, उसके अनुरूप हम लोग खड़े उतरे, और भारतीय जनता पार्टी जो मुंगेरी लाल के सपने देख रही है वो मध्य प्रदेश में साबित नहीं होगा, वो कारगर नहीं होगा। मध्य प्रदेश की सरकार 5 साल ये पूरा करेगी और आगे भी बनेगी और अपने काम के दम पे बनेगी। अच्छा, ये कई खबरें आ रही हैं इस समय कि कर्नाटक में जो जिस तरह से पूरा पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है, गोवा से भी खबरें आ रही हैं, तो कभी कभी मन में लगता है कि अरे भाई मंत्री बने हैं, कुछ काम करने का अवसर मिला है, उससे पहले कहीं अल्टा पल्टी ना हो जाए, सरकार में परिवर्तन ना हो जाए, कभी इस तरह के मन में कुछ बातें आती हैं आपके? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस तरह की कोई बात है नहीं। और यहाँ पे अग्नि परीक्षा 3-3 बार हो चुकी है, फ्लोर टेस्टिंग हो चुकी है, स्पीकर के चुनाव में, डिप्टी स्पीकर के चुनाव में, तो पूरी तरह से हमारा विधायक दल के जो लोग भी हमारे साथ सहयोगी दल हैं वो लोग खुले मन से बोल चुके हैं, तो किसी प्रकार का कोई संकट मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर नहीं है। संकट भाजपा के नेताओं के बीच में है, वो आपस में ही लड़ रहे हैं, अभी वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री का दावेदार होगा, तो वो आपस में लड़ते रहे। मध्य प्रदेश में कोई उनकी दाल गलने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बड़ी मजबूती से काम कर रही है, माननीय कमलनाथ जी बहुत ही परिपक्व लीडर हैं, और हम समझते हैं कि वो जिस तरह से एक एक चीज को बारीकी से सभी डिपार्टमेंट्स पे बराबरी से नजर रख के जिस तरह से वो प्लानिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं उस तरह से अगर सतत इस तरह की निगरानी जारी रही, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बीमारू राज्य का दर्जा मध्य प्रदेश को मिला हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, गरीबी रेखा में अभी हम बहुत पीछे हैं, तो इस तरह से अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो मध्य प्रदेश है, हमारा जो मध्य प्रदेश है वो सुदृढ़ हो, यहाँ के रहने वाले लोग मजबूत हों, यहाँ रोजगार के अवसर सृजन हों, तो सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ जी के नेतृत्व में संभव है। मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार लगातार बनती रही तो ये जो विसंगतियां हैं, ये बात भी सच है कि मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर बहुत सारा कर्ज भी है जी। और हमारे पास आय के उतने संसाधन नहीं है, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सुनियोजित तरीके से प्लान करके और आय के स्रोत भी सृजित कर रहे हैं कि आम जनता के ऊपर किसी प्रकार का टैक्स भी नहीं लगे, जिस तरह आपने देखा है कि आज के बजट में किसी भी तरह का कोई टैक्स का प्रावधान नहीं किया गया है। यही मोदी जी केंद्र में 5 साल से हैं, आपका गैस सिलेंडर 350 रुपए में कांग्रेस सरकार में मिलता था तो महंगाई डायन खा जाती थी, अब आज 950 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, सब्सिडी के पैसे का कहीं पता नहीं है, आपका पेट्रोल डीजल का दाम दोगुना कर दिया, केरोसिन का दाम दोगुना कर दिया, तो ये इनको दिखाई नहीं देता। मध्य प्रदेश में भी डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाएंगे वो, और हमारी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इन्होंने ये भी तो सरकार में थे, कहां बेड टैक्स कहां कम करने का काम किया था, तो भारतीय जनता पार्टी के ने उम्मीद की थी आपकी सरकार से कि शायद 5 रुपए की कुछ रियायत हो, क्योंकि इस तरह की घोषणा की गई थी कमलनाथ जी के द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान,
ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि शायद रियायत मिले? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमने तो नहीं इस तरह का कहीं सुना था कि कोई रियायत देने की बात कही गई थी। 5 रुपए कम करने की अगर चुनाव जीतते हैं तो उस चुनाव प्रचार के दौरान उनका नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे संज्ञान में तो नहीं है, पर अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उस पर वो अमल जरूर करते हैं, उसके लिए प्रावधान करते हैं। तो जब भी कभी ऐसा हमारे पास संसाधन होगा, आय के स्रोत होंगे, तो जरूर मध्य प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने का काम करेंगे। अच्छा कमलेश्वर जी, जब भी हम गांव का जिक्र करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं वो गंदगी, टूटी फूटी सड़कें, एक ट्रांसपोर्ट की कमी कि भाई गांव तक पहुंचना है तो ग्रामीण जो है मुख्य सड़क से अंदर तक पैदल जा रहे हैं, इस तरह की जो तस्वीरें देखने को मिलती है, ऐसी स्थिति में क्यों नहीं पलायन होगा? ऐसी स्थिति में जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं वो क्यों नहीं गांव छोड़ेंगे? ऐसी स्थिति में क्यों नहीं वो खेती बाड़ी से दूर होते जाएंगे? आपने जब विभाग संभाला, काफी बड़ा विभाग है, तो एक कार्य योजना आपके जहन में आई होगी, क्या कुछ वो प्लानिंग है जिसके तहत आप इन तमाम जो विसंगतियों को, तमाम जो कहा जा सकता है विकास से दूर जो तमाम चीजों से दूर करेंगे? देखिए, हमारी जो प्लानिंग है, हमारी सरकार की जो प्लानिंग है, कि हम कोई भी ऐसा टोला मजरा नहीं छोड़ेंगे जो सड़क विहीन हो। वो हम आपके जो हमारा पंचायत ग्रामीण विकास विभाग है, आरईएस के तहत भी हमने प्लानिंग किया है और सारी जगह सर्वे भी करा लिए हम लोगों ने, और इसको प्लानिंग करके 4 साल के अंदर और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत भी हम जितने भी राजस्व के ग्राम हैं उनको सबको जोड़ने का हम प्लानिंग कर रहे हैं, और बहुत सारी जगह के प्लान तैयार भी हो गए हैं। और हम समझते हैं कि आने वाले समय में हम कोई टोला मजरा, भले वो 50 घर की आबादी हो, उसको भी हम सड़क विहीन नहीं छोड़ेंगे। तो जो मूलभूत सुविधाएं गांवों में होनी चाहिए, नाली है, सड़क है, पुल पुलिया है, उसको हम लोग, हमारी प्राथमिकता में है और उसको हम लोग करेंगे। पंचायत भवन भी हर ग्राम पंचायत में होना चाहिए। तो हमारी सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है, कटिबद्ध है गाँवों के विकास को लेके, गाँवों में जो समुचित सुविधाएं होनी चाहिए उसको लेके हमारी सरकार पूरी तरह से, हम समझते हैं कि किसी भी प्रकार का इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, उसके लिए हम लोग पूरी तरह से सजग है। कमलेश्वर जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है शुद्ध पेयजल का, शुद्ध पीने का पानी का। हम जितनी तस्वीरें देखते हैं वो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों से आती है, कि करीब 3 से 4 किलोमीटर या 5-5 किलोमीटर दूर जाके ग्रामीण महिलाएं जो हैं वो एक एक मटके में पानी लेकर आ रही हैं, हैंडपंप सूखे हुए हैं। ये तस्वीरें शहरों में हमें थोड़ी कम देखने को मिलती है, और अगर मिलती है तो तमाम टैंकर्स जो हैं पहुंचा दिए जाते हैं क्षेत्रीय पार्षद के द्वारा, विधायक के द्वारा, तमाम सुविधाएँ हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये तमाम चीज़ें हमारी भी कमी है कि ये मीडिया से भी दूर हो जाती हैं तस्वीरें, और कहीं ना कहीं ग्रामीण जो हैं वो इससे अपना भाग्य समझने लगते हैं कि भाई गर्मी आई है तो हमें 10 किलोमीटर दूर जाके पानी लाना ही है, और हैंडपंप को सूखना ही है, और हमें तो गंदा पानी पीना एक मजबूरी है, और उसके बाद जो तमाम बीमारियां होती हैं सो अलग। तो ये जो तस्वीर है वो बदले, इसको लेकर क्या कुछ आप कदम उठाएंगे? देखिए, हमने पहले भी जिक्र किया था कि ये आज जल बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जी, और उसको लेके जैसा हमने कहा नदी पुनर्जीवन से लेके और आपका जो पुराने जल के स्रोत है उनको रिचार्ज करने की आवश्यकता है, वाटर हार्वेस्टिंग भी जरूरी है। आज हमारे बजट में इसको कानून भी बनाने का प्रावधान किया है और ये हम समझते हैं स्वागत योग्य है। ये भी हम कह सकते हैं पिछले 15 वर्षों में पिछली सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया, जबकि मनरेगा योजना के अंतर्गत आपका मेड़ बंधान से लेके और नदियों के संरक्षण के लिए पैसे तो बहुत सारे खर्चा हुए, पर वो कहाँ गए पता नहीं चलता। तो सर ये तो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। स्वाभाविक रूप से भ्रष्टाचार हुआ है। बहुत सारी जगह राशि का प्रोविजन तो किया गया पिछली सरकार में, पर सही ढंग से उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। अब बुंदेलखंड पैकेज की आप बात करिए, क्या स्थिति है, पूरा लूट लिया। तो इस तरह का जो पिछली सरकार जो थी, इन्होंने झूठे आंकड़े प्रस्तुत करके अवार्ड तो लेते रहे पर सच्चाई में काम किया नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो छोटी छोटी विसंगतियां हैं, हमारे मध्य प्रदेश में रहने वाले कोई भी किसी भी गांव टोला मजरा के लोग पानी के लिए नहीं तरसे, उनके लिए हमारी सरकार सुनियोजित प्लान भी तैयार कर रही है, नल जल योजनाओं का भी प्रावधान कर रही है, और नदी पुनर्जीवन के अंतर्गत हम समझते हैं कि ऐसे जब जल के स्रोत हमारे रिचार्ज होंगे तो हमारा जो पानी गर्मी के सीजन में सूख जाता है, कूप सूख जाते हैं, हैंडपंप सूख जाते हैं, वो हम समझते हैं कि वो रिचार्ज जब होंगे तो इस तरह के संकट से हमें निजात मिलेगी। जब कमलेश्वर पटेल जी ने अपने विभाग का जो है कमान संभाली, फाइलें खोलकर देखी, उस समय क्या कुछ ऐसा अवसर है जब आपका माथा भी चकरा गया कि इतने बड़े बड़े घोटाले,
इतने सालों में ऐसे करोड़ों के घोटाले, क्या बताना पसंद करेंगे कमलेश्वर जी की उन घोटालों के बारे में जिनकी जानकारी आपको लगी? संभव तो हो सकता है कि आपने मुख्यमंत्री जी तक, कमलनाथ जी तक ये बात पहुंचाई हो, कि आपका मन करा कि भाई ये इतने सालों में कुछ बेहतर हो सकता था, लेकिन तमाम जो है भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए। नहीं हुआ है, शासकीय धन का काफ़ी दुरुपयोग हुआ है जी। और हम जब किसी विभाग के मंत्री होते हैं या जिम्मेदार पद पे होते हैं तो हमारी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की होती है, ना कि सिर्फ पर्टिकुलर हम अपने तक सीमित हो जाएं। ये हम समझते हैं कि इस तरह का नज़रिया किसी भी राजनेता के लिए, किसी भी जिम्मेदार पद पे बैठे हुए अधिकारी कर्मचारी हो या मंत्री हो, हम समझते हैं कि वो ठीक नहीं है। तो हम जब प्लानिंग करते हैं तो पूरे प्रदेश की प्लानिंग करनी चाहिए। और बहुत सारा तो है, मामला है हमारे पास, वो जांच वाँच भी हमने शुरुआत की है, समय आने पे उसको उजागर करेंगे। मतलब कई ऐसे घोटाले हैं, शौचालय घोटाले के अलावा बहुत सारे घोटाले हैं, बहुत सारे घोटाले हैं। और घोटाले करते समय एक ही राशि का तीन तीन जगह तीन मत से एक ही काम को तीन तीन मत में खर्चा कर दिया, वो पॉसिबल नहीं है, नियम संगत नहीं है, ऐसा भी हुआ है। तो आएगा समय, वो भी आएगा, वो भी उजागर करेंगे, समय आने दीजिए, इंतजार है। जांच चल रही है, परीक्षण करा रहे हैं और समय आने पे उसको भी उजागर करेंगे। एक सवाल, क्योंकि आपकी जो जुझारूपन है उससे हम सभी लोग अवगत हैं, आप काफ़ी दबंग हैं बोलने में भी और अपने काम को करने में भी, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ जो बड़े अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? जो कहीं ना कहीं IAS अधिकारी मैं खुलकर बोलता हूँ, जिनके बिना संरक्षण के इतने बड़े बड़े घोटाले नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी सरकार पर इस तरह के आरोप भी लगातार लग रहे हैं कि भाई जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया पूर्ववर्ती सरकार के साथ, वो आपकी सरकार में भी शोभित है। देखिए ऐसा है कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी घोटाला तब करता है जब सरकार के मुखिया उसमें शामिल होते हैं। और सरकार के मुखिया कौन होते हैं? राजनीतिक दल के जो भी सरकार के कर्ता धर्ता, मंत्री मुख्यमंत्री, ये होते हैं। तो सबसे बड़ी जवाबदेही तो सरकार जो चलाने वाले होते, जिनकी सरकार होती है उनकी होती है। अधिकारी कर्मचारी वही करते हैं जो मंत्री मुख्यमंत्री बोलते हैं। तो हम तो पहले जवाबदारी तो उनकी तय करते हैं। सबसे बड़ी गलती तो जो सरकार में बैठे हुए लोग होते हैं उनकी ये गलती होती, उनकी जिम्मेदारी होती है कि हमारे अधीनस्थ काम करने वाला कोई भी, चाहे IAS हो, IPS हो या किसी भी विभाग का अधिकारी कर्मचारी हो, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करे। उसकी सतत निगरानी करने का काम विभागीय मंत्री से कह लीजिए या अन्य जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उनकी है। हमारी पार्टी की भी जिम्मेदारी होती है, जिसकी सरकार होती है उसकी भी जिम्मेदारी होती है, कहीं अगर गड़बड़ हो रहा है तो वो समय समय पर सजग करते रहे। और हम समझते हैं कि ये जो भी गलतियां पहले हुई है उसमें अधिकारी कर्मचारियों से ज्यादा गलती जो है मंत्री मुख्यमंत्री की है। मतलब आप नेता प्रतिपक्ष जो मौजूद हैं उन पर इशारा कर रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी कर रहे हैं। एक सवाल जरूर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बतौर पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री आज से 5 साल बाद जब अपने कार्यकाल को आप देखेंगे तो क्या वो एक महत्वपूर्ण जो कार्य है वो आप करना चाहेंगे जिससे हमारे मध्य प्रदेश की पंचायतें, हमारे देश के, हमारे प्रदेश के जो गांव हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि संतोष हो वो देखकर, उस काम को देखकर? देखिए हमारी बहुत ही मतलब साफ मन से और बहुत ही हम कह सकते हैं कि निश्चल भाव से हमारी इच्छा है कि हमारे गांव में जो रहने वाले लोग हैं, हमारी जो आजीविका मिशन से जुड़ी हुई दीदियां हैं या और लोगों को हम कैसे जोड़ सकते हैं, वो गांव के रहने वाले लोगों को हमको रोजगार के अवसर कैसे प्रदान कर सकते हैं, वो हमारी प्राथमिकता होगी कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर प्रदान करें। और उनके लिए हम किस तरह से सरकारी मद से मदद कर सकते हैं, किस तरह से गरीब जो आदिवासी है या अनुसूचित जाति के लोग हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं जिनको अपना जीवन यापन करने के लिए भी कठिनाई होती है, उनका जीविकोपार्जन का साधन अगर हम उपलब्ध करा सकें तो हम समझते हैं कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कमलेश्वर पटेल जी, गौशाला को लेकर लगातार बात कही जा रही है और ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो गौ की बात करें, हम गौ रक्षा की बात करें, राम मंदिर की बात करें, उसकी बड़ी पैरोकार रही है। और अगर मैं खुलकर कहूँ तो आप लोग को विधर्मी टाइप का जो है आपका परसेप्शन बनाया जाता है, क्या कुछ कहेंगे आप इसमें? देखिए ऐसा है कि सच बात तो ये कि सनातन धर्म के समय से ही
गौ माता की पूजा करते हैं और पूरा हिंदू धर्म, हिंदू समाज के लोग और यहाँ तक कि मुस्लिम वर्ग के लोग भी जो है ना गौ माता को रखते हैं, उनके गाय मतलब दूध का उपयोग तो सारे लोग करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोग सिर्फ पूरे देश में बवंडर खड़ा करना और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना, पर आप बता दीजिए कितनी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गौशाला का निर्माण कराया हो। पर हमारी सरकार ने अगर वचन पत्र में उल्लेख किया था 1000 गौशालों के लिए जगह चिन्हित हो गई और उनका काम भी शुरू हो गया है। 1000 गौशाला अभी हम बना रहे हैं और आने वाले समय में हम आवश्यकता अनुरूप पूरे प्रदेश में और भी गौशाला बनाएंगे। तो हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। अब इनके पेट में दर्द हो रहा है, ये तो वही है जो भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनाने के लिए पूरे देश से ईंटा वसूला था, चंदा लिया था और हजारों लोगों को कटवा पिटवा दिया, देश में पूरा भय का माहौल पैदा किया। आज तक भगवान श्री रामचंद्र जी तो तंबू में है, तो भारतीय जनता पार्टी का हजारों करोड़ का कार्यालय दिल्ली में सुसज्जित हो गया। तो ये कहनी और कथनी में इनके अंतर है। अब इनके पेट में दर्द हो रहा है। रामगवन पथ इन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, 15 साल सरकार में रहे, ये तो बना नहीं पाए, पर हमारी सरकार ने बजट में भी प्रावधान किया है कि हमको उसको करेंगे। तो ये अंतर है, हम जो कहते हैं वो करते हैं, प्रचार प्रसार नहीं करते इतना ज़्यादा। तो हमारी सरकार जहाँ एक तरफ हम हमारा विभाग भी पशुपालन विभाग के साथ मिलके गौशाला बनाने का काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ हम जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उनको भी आमंत्रित किया है कि आप भी अगर बना सकते हैं, आप भी कर सकते हैं तो सहयोग करें, सरकार आपको मदद करेगी। तो हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छा काम है। इससे 2-3 बातें हैं। एक तो किसानों की जो फसल चौपट हो जाती है, फसल नुकसानी होती है, उस पर भी कंट्रोल होगा। ये बहुत बड़ी समस्या है कुछ रीजन में। तो और हमारे जो पशु हैं, जो हमारे गौ माता हैं, कई बार सड़कों में ट्रक की चपेट में आ जाते हैं, कई बार इनका मिसयूज भी होता है। तो इन सारी चीज़ों पर बंदिश लगेगा और इनकी दुकानदारी, विश्व हिंदू परिषद की दुकानदारी थोड़ा समिटेगी, इसलिए ये चिंतित हो रहे हैं क्योंकि इनसे एक मुद्दा छिन रहा है। कमलेश्वर जी, जब गाय दुधारू होती है तो उसकी तो काफ़ी सेवा हो जाती है, इसे दुर्भाग्य कहेंगे और हमारे इंसानियत पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी कहेंगे कि जब गाय दूध देना बंद कर देती है या भैंस दूध देना बंद कर देती है तो उन्हें बिल्कुल छोड़ दिया जाता है और वो फिर जिस तरह के आपने बताया कई बार दुर्घटनाओं का या कई बार उनकी हत्या तक कर दी जाती है उनको, तो ये ऐसी स्थिति ना हो और उनका, क्योंकि उनको सही जगह पर उनका विस्थापन हो सके और उनका कहीं ना कहीं गोबर का, गौमूत्र का इसका भी इस्तेमाल हो सके जिससे कहीं ना कहीं आय भी जरिया बन सके, इसको लेकर आपकी सरकार क्या कुछ कर रही है? जो हम गौशाला बना रहे हैं उन गौशाला को जब हम जब तैयार हो जाएंगी तो उनसे जो अपशिष्ट पदार्थ निकलेंगे उनका भी हम उपयोग करें, इसके लिए भी प्लानिंग है। तो आने वाले समय में हम ये जरूर प्रयास करेंगे, हमारी सरकार के प्लानिंग में है कि हम इनका संरक्षण भी करेंगे और इनके जो अपशिष्ट पदार्थ है, गौमूत्र है या गोबर है, इनको भी हम इनका संधारण करके इसका भी जो है, और इसको चलाने के लिए हम स्व सहायता समूह की आजीविका मिशन की जो दीदियां हैं उनको भी हम देने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि हम इनका संरक्षण भी करेंगे और इनके संरक्षण में जो भी संसाधन लगेंगे उसका हम व्यवस्था भी करेंगे और लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएंगे। बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि कमलेश्वर जी, क्योंकि हमने देखा है कि जब इस तरह के पशु जो हैं हमारे, खासतौर पर गाय और भैंस की हम बात करें, तो उनको जब इस तरह से छोड़ दिया जाता है तो कुछ एक समुदाय विशेष पर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि वो गौकशी में शामिल हैं। इसको लेकर हमने काफ़ी घटनाएं भी देखी हैं कि मारपीट से लेकर मॉब लिंचिंग तक की घटनाएं हमने देखी हैं। तो ये अगर आप इस तरह का काम कर पाते हैं जहाँ पे गौ की रक्षा हो सके तो निश्चित तौर पर समाज में भी कहीं ना कहीं एक बड़ी जागरूकता आएगी। बिल्कुल सही बात है। और ये इस तरह का, देखिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह के लोग करते हैं कोई भी, पर ये जानबूझ के कुछ इस तरह के असामाजिक संगठन हैं जो इस तरह का माहौल क्रिएट करके और हिंदू मुस्लिम राइट्स कराना चाहते हैं, आपस में मतभेद पैदा करना चाहते हैं। तो ये इनके सोची समझी रणनीति के तहत है, तो इस पर विराम लगना भी जरूरी है। इसलिए इस तरह का हम समझते हैं कि जो व्यवस्था हमारी सरकार ने की है ये हम समझते हैं कि स्वागत योग्य है और इसको हम कार्यप्रणित भी करेंगे और धरातल पे भी आने वाले समय में आपको दिखाई भी देगा। ग्रामीण पर्यटन भी कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आप कुछ करना चाहते हैं? बिल्कुल, हमारे प्लानिंग में है, हम उस पर विचार कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग भी किया है
और हम समझते हैं कि टूरिज्म के साथ साथ ग्रामीण पर्यटन को भी हम जोड़ने पे विचार कर रहे हैं और हम समझते हैं कि बहुत जल्दी ही वो बात सामने भी आएगी। चूंकि हालांकि मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री हैं, लेकिन आप विंध्य क्षेत्र से आते हैं, अपने क्षेत्र से लगाव होना स्वाभाविक बात है। क्या विंध्य को लेकर कोई विशेष आपका जो है सपना है, कुछ प्लान है जिसे आप करना चाहेंगे? विंध्य प्रदेश स्वाभाविक रूप से बहुत पिछड़ा भी कह सकते हैं और कुछ एरिया तो ऐसा है कि आदिवासी बहुल एरिया है, आय के स्रोत नहीं है, तो वहाँ का एक तो समुचित विकास बहुत कुछ, हालांकि हमारे समझ से पूर्ववर्ती सरकारों ने किया है, हमारी सरकार जब थी तब भी हुआ है, पिछली सरकार ने भी बहुत कुछ किया है, तो ये कहना तो ठीक नहीं कि पहले कुछ हुआ नहीं है, पर जो बचे हुए काम हैं, जो अधूरे काम हैं, और ख़ासकर शिक्षा और स्वास्थ्य पे हम समझते हैं कि बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर सुधरेगा तो हमारे समझ अपने आप लोग जब अपने अधिकारों के प्रति सजग होंगे, स्वस्थ होंगे, तो फिर वो आगे बढ़ने में उनको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी। हमारे सीधी में जैसे ला का महाविद्यालय शासकीय था, वो बंद हो गया। हॉस्पिटल्स की जो स्थिति है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स अच्छे नहीं है, ज़्यादा अभाव है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स नहीं है, तो ये बुनियादी जो सुविधाएँ हैं चाहे वो किसी भी विभाग की हो, वो जो अभाव है उसको बहाल करना, और वो जब बहाल हो जाएगी पिछड़े इलाकों में भी जब सारे लोग जाएंगे तो हम समझते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास भी होगा, चाहे वो विंध्य रीजन के कोई भी जिले हों। तो जो जगह खाली है चाहे वो किसी भी विभाग के हों, क्योंकि कुछ एरिया में लोग जाना नहीं चाहते, उसमें से हमारा सीधी जिला भी है, तो उधर जाने कुछ एरिया में देखिए तो डॉक्टर्स का अभाव नहीं है, पर हमारे यहाँ सुविधाओं का थोड़ा अभाव है। उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि लगातार सतत माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा होती रहती है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, हम समझते हैं कि ये सब होने से अपने आप लोगों में जब शिक्षा का स्तर सुधरेगा, लोग अपने पैर पे खड़े होंगे, तो स्वाभाविक रूप से उनको कहीं ना कहीं अवसर जरूर मिलेगा। हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं उससे हमारा विंध्य रीजन किसी भी तरह से वंचित नहीं रहे। एक सवाल मैं इसलिए पूछना चाहूंगा क्योंकि हर मंत्री की चाहत होती है कि मुख्यमंत्री की गुड लिस्ट में सबसे ऊपर आए, टॉप करें, मतलब एक रिपोर्ट कार्ड जब जाए तो सबसे गुड लिस्ट में आपका नाम हो, हर कोई कोशिश करता है। इस छोटे से कार्यकाल में, क्योंकि आपकी सरकार का काफ़ी कम समय हुआ है, वो शाबाशी वाले क्षण आप बताइए कि जब कमला जी ने मुस्कुरा के कहा, खुश होकर कहा, पीठ थपथपाई आपकी कि वाह कमलेश्वर जी मजा आ गया। देखिए इस तरह के अवसर जब हम काम करते हैं तो कई जगह डांट भी मिलती है और कई जगह शाबाशी भी मिलती है, और दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि काम करते समय गलतियाँ भी होती हैं और सुधार की गुंजाइश भी रहती है। तो इसमें हम समझते हैं कि बहुत खुश होने की बात नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की जनता के प्रति है, और जब पूरे प्रदेश की जनता पीठ थपथपाए तो हमारे मुख्यमंत्री जी की पीठ थपथपाने का तो वैसे ही अवसर हमको मिल जाएगा। तो हमारी प्राथमिकता माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद, हमारे प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं उनका आशीर्वाद तो मिले ही, पर प्रदेश की जो जनता है जिसने 7.5 करोड़ जनता ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास किया। इस तरह भी ट्रेड सीक्रेट का खुलासा नहीं कर रहे हैं, मतलब दूसरों को पता ना चल जाए कि आपने वो क्या अच्छा काम किया जिसमें आपको शाबाशी मिली, अपने तक ही रखना चाह रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं और समय समय पर आशीर्वाद उनका मिलता रहता है। जहाँ अच्छा होता है तो प्रशंसा भी करते हैं, जहाँ गलती होती है तो डांट भी लगाते हैं, हमारे लीडर हैं और उनको पूरा अधिकार है और उतना ही अधिकार प्रदेश की जनता को भी है। हमारी तरफ से अगर हम कहीं कमी कोई गलती करते हैं तो वो सबको अधिकार हमने दे के रखा है कि आप हमारा कान खींच सकते हैं और जहाँ गलती होगी हम सुधार करेंगे। अच्छा ये एक मजमा टाइप का हम देखते हैं, आप रोजाना करीब 200 से 300 लोगों से आप व्यक्तिगत रूबरू होते हैं, उनसे किस तरह से आप, मतलब एक अगर हम रोजाना इसने 200 से 300 लोगों को देखें अपने घर के चारों तरफ, अपने कमरे में, अपने बैठक में, और उनके सबके हाथ में कोई ना कोई समस्या हो, बड़े बड़े मोटे मोटे कागज हो, और वो आपसे अपेक्षा करें कि आप उन तमाम कागजों पर एक साथ गौर भी करें, उस पर पढ़े भी, वो अपनी भाषा में अपनी शैली में आपको जैसे भी बताना चाहते हैं वैसे वो बताने की चेष्टा करते हैं, और फिर वो तत्काल अपेक्षा करते हैं कि आप एक फोन भी उनके लिए कर दें, उनको तत्काल जो है उनकी समस्या का निराकरण कर दें। ये रोजाना जो इस तरह का जो आप रूबरू होते हैं, न केवल आपके क्षेत्र में बल्कि भोपाल में भी आपके बंगले पर हमने इस तरह की जो है तस्वीरें देखी हैं, कितना मुश्किल होता है आपके लिए सर? देखिए ये हमारी जिम्मेदारी है,
और इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। अगर कोई हमारे पास आता है तो बहुत आशा के साथ आता है, और हमारी ये कोशिश होना चाहिए कि अगर हम कुछ कर सकते हैं, अगर हमारे अधिकार क्षेत्र में है तो हमको करना चाहिए। अगर हम राजनीति में हैं तो राजनीति हम स्वयं सेवा के लिए नहीं, समाज सेवा के लिए, तो ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और जितना हो सकता है, हमारे पिताजी कहते थे कर भला सो हो भला, एक युक्ति उनकी ध्यान आती है, चार वेद सतशास्त्र में बात लिखी है दोए, सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख होए। तो आइए हम तो इस भावना के साथ काम करते हैं कि अगर हम किसी गरीब के काम आ जाएं, अगर हम किसी भी परेशान व्यक्ति की अगर हम मदद कर दें, हमारे कलम से लिखने से या हमारे फोन करने से अगर किसी का भला हो जाए, तो हम तो इस भावना के साथ काम करते हैं। तो इसलिए औरों के कल्याण में हो जाए अपना भी कल्याण, इस भावना के साथ काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छे अंदर से अनुभूति भी अच्छी होती है। अगर हमने दिन भर में 4-6 लोगों की मदद कर दी तो अंदर से लगता है आज अच्छा हमने कुछ किया है। तो ये हम समझते हैं कि अच्छी सोच, और ये हमारी पार्टी की नीति रीति भी है, हमारे नेताओं ने भी यही सिखाया है कि आप अच्छा काम करिए, अच्छा सोचिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भला करने की कोशिश करिए। हमने सुना आप बघेली में बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं, और जब अपना काम करते हैं तो बघेली के जो लोकगीत हैं उसको गुनगुनाते हुए अपना काम करते रहते हैं सर। नहीं, हमको कोई इस तरह की गीत नहीं ध्यान है, कोई इस तरह के गीत नहीं ध्यान है जी। पर ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, इस तरह का हम समझते हैं कि मन में भावना होनी चाहिए। राह में आए जो दीन दुखी उसको भी गले से लगाते चलो, इस तरह की भावना के साथ काम करने की आवश्यकता है। और हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि हम इस भावना के साथ अपनी पार्टी के हित के लिए और अपने प्रदेश की जनता के हित के लिए, एक कार्यकर्ता की हैसियत से जो हमको ये जिम्मेदारी मिली है, इस जिम्मेदारी का, इस दायित्व का हम सही ढंग से निर्वहन करें और अपनी पार्टी, अपनी सरकार की कहीं किरकिरी नहीं कराएं, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश्वर पटेल जी। चर्चा तो काफ़ी कुछ हो सकती है, आपका विभाग इतना बड़ा है, लेकिन आज के इस एपिसोड में आपने जिस तरह से खुलकर अपनी बातें रखी, आपके विभाग की, अपने सरकार की, अपने जिम्मेदारियों के बारे में हमसे अवगत कराया, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे और आपके विचार, आपके विभाग में जिस तरह से आपने जो तमाम बातें हमसे शेयर की हैं उसमें कितना क्रियान्वयन हो चुका है, क्या कुछ बेहतर उपलब्धियां मध्य प्रदेश को हासिल हो चुकी है, इस पर हम लगातार आपसे टच में रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश्वर पटेल। जिस तरह से उनका नाम है, जिस तरह उनकी राजनीतिक विरासत रही है, बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं लेकिन कठोर निर्णय लेने वालों में उनका नाम शुमार होता है। एक एक व्यक्ति, एक एक शख्स को पूरा समय वो देना चाहते हैं, अपनी सरकार का कहीं ना कहीं नाम ऊपर करना चाहते हैं। साफ तौर पर उनका यह भी कहना है कि विपक्ष मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखे, आने वाले समय में काफी कुछ होना है। और देखिए, ये एक ऐसा विभाग है जो सीधे तौर पर हमारे गांवों से जुड़ा हुआ है, वो गांव जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है, वो गांव जो कहीं ना कहीं हमारे देश की पहचान है, हमारी संस्कृति जहां से आती है, उन तमाम गांवों का जो जिम्मा है वो पंचायत और ग्रामीण विकास के जिम्मे होता है। हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने विभाग की जिम्मेदारी पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाएं और वहां पर भी ऐसा विकास करें कि कभी कोई युवा वहां से पलायन ना करे और हम गांव में जाकर पर्यटन का भी आनंद ले सकें। फिलहाल मुझे यानी आशुतोष को दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें। अरे 55 साल में तुम जो नहीं कर पाए, पहले उसका जवाब दो। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 5 मिनट भी अपने पब्लिक रिलेशंस को, अपने पीआर को छोड़ नहीं सकते।